अभी जो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं और उसमें आप अमेजोन एफिलिएट या कोई भी एफिलिएट डिपेंड ऑन आपकी ऑडियंस, लेकिन यहाँ पे जो मैंने बताया था वो अमेजोन के थ्रू बताया था कि अमेजोन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके आप शानदार अर्निंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने अकाउंट बताया हुआ था वो ये वाला अकाउंट था जिसमें मैंने उस टाइम अगर देखा जाए तो तकरीबन 2800 के आसपास फॉलोवर थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2863 करीब फॉलोवर थे और तकरीबन 205 पोस्ट थे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 223 पोस्ट हैं और 7000 के आसपास यहाँ पे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे तो इंगेजमेंट भी बहुत शानदार आ रही है। कुछ वीडियोज हैं जो कि 1,00,000 से ऊपर भी पहुंच गए हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये इसमें आप देख सकते हैं 122 के इस पे व्यूज आ चुके हैं और लाइक्स देख सकते हैं आप 9000 के आसपास लाइक आ चुके हैं, 210 कमेंट आ चुके हैं। और अगर आपका इसी टाइप का कोई भी एक वीडियो वायरल हो जाता है, जैसे ये जो है इसमें क्या है, जो भी हम जिम के अंदर ड्रेस पहनते हैं वो यहाँ पे दिखाई गई है। साथ ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो जिम वगैरह सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। और ये जो है, अगर कोई बंदा इसको परचेस करना चाहे या खरीदना चाहे तो उसकी लिंक वगैरह भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ऐसा कोई भी वीडियो वायरल हो जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप मोस्टली तो देखेंगे आज की डेट में तो सभी में मैंने कोई ना कोई ड्रेस दिखाई है। ये जो है इसमें ड्रेस है, यहाँ जो आपके लिए दिखाई दे रहा है इसमें कोई ज्वेलरी है, इसमें भी एक ड्रेस है, इसमें भी ड्रेस है, इसमें भी ड्रेस है। तो मोस्टली मैं कुछ ना कुछ ड्रेस या कोई ना कोई प्रमोशन रहेगा, जैसे ये ज्वेलरी है, सभी में कुछ ना कुछ दिखाया हुआ है। ये भी आप देख सकते हैं, अभी डाला है, ये भी एक देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें लोग परचेज कर सकते हैं। वो परचेज कहां से कर सकते हैं, तो वो अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने लास्ट वीडियो दिखाया था इसमें सारी चीजें मैंने चीजें बता दी थी, स्टेट्स वगैरह, कितना ट्रैफिक आ रहा है और कितनी अर्निंग हुई थी। अर्निंग ऑब्वियसली बात है अभी बढ़ गई है, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं 181K अकाउंट रीच इसमें पहुंच चुकी है, जबकि पुराने वीडियो में आप देखेंगे तो तकरीबन 50,000 के आसपास रीच पहुंची थी। और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो रीच है ये अभी और भी कहीं ज्यादा पहुंच गई। ठीक है, तो आप ये सोचो अभी इसमें पर डे तकरीबन 1,000 और 1,500 फॉलोवर बढ़ रहे हैं एक एक दिन में, और मुझे पता है कि अभी तकरीबन 10 से 15 बाद या 20 दिन बाद इसमें तकरीबन एक ही दिन में 5,000 भी बढ़ेंगे। जिस हिसाब से मैं कंटेंट डाल रहा हूं या जिस हिसाब का कंटेंट मैं डाल रहा हूं, जैसा मैं कंटेंट बना रहा हूं, आप यहां पे देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही हैं, सभी पे कुछ ना कुछ इंगेजमेंट आ रही है। आप यहां पे देख सकते हैं 3,000, 2,000, 3,000, 4,000 सभी पे इंगेजमेंट आ रही है और सभी वीडियो अच्छे खासे चल रहे हैं। अब आप ही सोचो एक महीने पुराने अकाउंट में इससे अच्छी इंगेजमेंट और क्या ही आपको चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपको समझना है कि ये अकाउंट को मैंने ग्रो कैसे किया, आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो ये वाला जो वीडियो है ये आप वीडियो जरूर देख लेना। ये जो है अभी मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट वीडियो यहाँ पे रहेगा, तो ये आप देख लेना। अब आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी ये कंटेंट बनाया गया है ये कंटेंट आप कैसे फाइंड कर सकते हो और कैसे आपको बनाना है। यहाँ पे मैं एक और बार आपके लिए रिफ्रेश करके दिखा दिया करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे और भी इंगेजमेंट आ रही है, इससे पहले जो भी सब्सक्राइबर थे अभी 520 हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, सारी चीजें बढ़ रही है, इंगेजमेंट अच्छी खासी आ रही है। अब ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। अब यहाँ पे बात आती है कि ये कंटेंट आपको बनाना कैसे, फाइंड कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दिया करता हूँ कि फाइंड करने के पहले कुछ गलतियां थी जो कि मैंने भी की थी, तो वो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सर्च का। ठीक है, सर्च में ऑब्वियसली बात है आप कोई भी हैशटैग वगैरह सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपका जिम टाइप के या वर्कआउट टाइप के आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पे सिंपल सा वर्कआउट फाइंड कीजिए या वेट लॉस या जिस टाइप का भी कंटेंट है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको इतना ज्यादा यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेंडिंग कंटेंट डालूं। इसलिए मैं ये जो एक्सप्लोर वाला ऑप्शन है मैं इसको ही ट्राई करता हूँ। अब इसमें क्या है कि इसमें आपके लिए वो कंटेंट दिखाई देगा जो कि नया कंटेंट है और अच्छी खासी रीच लेके आ रहा है, वो कोई भी कंटेंट हो सकता है। तो वो कंटेंट अगर आप डालोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके लिए अच्छी खासी रीच मिल सकती है। मान लीजिए ये कंटेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 867 लाइक्स आए हैं, और ये भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज पता नहीं चलेगी। अभी मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज समझ में आने लगी है कि कौन सा AI जनरेटेड है और कौन सा रियल है। तो ये भी अगर आप देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी AI जनरेटेड है। इसी टाइप से और भी हजारों प्रोफाइल में आपके लिए देख के बता सकता हूं कि कौन सी AI जनरेटेड है और कौन सी रियल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हम खोलते हैं तो ये भी जो कंटेंट है मोस्टली में आप देखोगे तो जिनकी आईज है ना,
आइस को अकेला आपको फॉलो करना है और आइस से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो कंटेंट रियल है या एआई जनरेटेड है। अब जैसे ये कंटेंट है तो ये ऑब्वियसली बात है कि इसमें सारी चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से अगर दिखाई दे रही हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये एआई जनरेटेड नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी कंटेंट अच्छा मिल रहा है उसको आपको सेव करते जाना है, ठीक है। जैसे मेरी प्रोफाइल में दिखा दिया करता हूं, यहां पे आप देखोगे तो सेव्ड में इतने सारे वीडियोस आपके लिए दिखाई देंगे। एक आप यहां पे देख सकते हैं रील आइडिया का भी बना हुआ है कि मुझे जो जो नई रील्स बनानी है उन सभी के आइडिया में यहां पे सेव करता जाया करता हूं और उसी को मैं फिर आगे जाके यूज करता हूं। तो सबसे पहली चीज है कि आपको आइडियाज जो भी हैं वो आपको एक जगह सेव करते जाना है। तो जैसे मान लीजिए हम एक्सप्लोर पे गए और एक्सप्लोर पे आने के बाद आपको कोई भी कंटेंट अच्छा लग रहा है, मान लीजिए ये कंटेंट है। अब ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, वैसे तो ये इमेज है तो कोई और भी कंटेंट आप ले सकते हैं, मान लीजिए ये कंटेंट है ये आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो यहाँ पे रील का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके और आपको सेव कर देना, ये आपका जो भी ये रील आइडिया वाला है उसमें जाके ये सेव हो गया। और इसी टाइप से फोन में भी रहा करता है कि फोन में आप देखते जाओ जो भी कंटेंट आपको अच्छा खासा लग रहा है। मान लीजिए मुझे ये वाला कंटेंट पसंद आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड में सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आ जाएगा और मैं इसको सेव कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सेव टू रील आइडियाज, तो इसी टाइप से ये सेव हो गया, ठीक है। और इसी टाइप से अगर आप किसी रील पे हैं तो आपको जो ये थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना है। अभी चूंकि यहाँ पे सेव आ रहा है हम इस रील को सेव कर चुके हैं, अगर आपने सेव नहीं किया होता तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता और यहाँ पे आपको जहां भी सेव करना है, मान लीजिए रील आइडियाज में सेव करना है, तो आप इस टाइप से दो तीन आइडिया बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप रील को सेव भी कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है ये मैं मोस्टली यूज करता हूं, क्योंकि आप अगर कोई चीज फाइंड करने के लिए बैठोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, या आप कोई भी कीवर्ड डालोगे अजीब अजीब सा कंटेंट आएगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आपके शायद ऐसा हो सकता है कि शायद आपको पहली बार में अच्छा मिल जाए, लेकिन मुझे कंटेंट अच्छा नहीं मिलता था तो मैं उस केस में क्या करता था कि मैं रील्स देखता रहा करता था और जब भी मुझे कोई अच्छी खासी रील मिल जाती थी मैं उसको तुरंत सेव कर लिया करता था। इसीलिए आपने देखा कि मेरे इस प्रोफाइल के अंदर इतने सारे यहाँ पे सेव्ड पोस्ट हैं। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपके लिए बताना भूल गया कि आप जब भी कोई कंटेंट फाइंड करो, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐसा कंटेंट फाइंड नहीं करना है जैसे ये एक वीडियो दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या है कि इसमें आपके जो हेयर्स हैं या फेस पे कोई भी हाथ वगैरह नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हाथ वगैरह आएगा तो वो जो चीज है वो खराब हो जाएगा। मतलब ये कहा जाए तो इतने पावरफुल ये सॉफ्टवेयर्स नहीं होते हैं कि ये आपका पूरा काम करते हैं, वहां पे थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा या आपके हाथ के ऊपर ही इमेज वगैरह दिखाई देने लगेगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो बाल हैं ये पूरे इस पे ना आ रहे हों और या फिर कोई हाथ वगैरह ना आ रहा हो, तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान रखना। एज अ एग्जाम्पल मान लीजिए ये वाली रील हम ले लिया करते हैं, ठीक है। अब ये जो रील है इसमें क्या हो रहा है कि ये अभी तक ठीक था, लेकिन जैसे ही ये जो भी इन्होंने ओढ़ा हुआ है साड़ी वगैरह जो भी है, तो ये जब आ गया है ना, तो ऐसा हो सकता है कि जब ये यहाँ पे आया था चेहरे पे तो आपका चेहरा इसके ऊपर आ सकता है और या फिर जो भी ये पल्लू वगैरह आया था ये हाइड हो जाएगा उधर पे। तो ऐसी जो भी रील्स हैं ये ऑब्वियसली बात है अच्छी खासी दिख रही है सारी चीजें हैं, तो आपको इनको थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट अगर आप लोगे तो उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। जैसे एज अ एग्जाम्पल मैं एक आध आपके लिए रील दिखा दिया करता हूं, तो ये जो एक वीडियो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब इसमें क्या है ये सारी चीजें एकदम परफेक्ट है, लेकिन जैसे ही आप यहां पे देखेंगे कि ये लड़की के यहाँ पे जब हाथ जो है वो फेस पे आए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाथ के ऊपर ही यहाँ पे जो भी फेस है वो दिखाई दे रहा है। तो ये चीज आप एक दो बार देख लेना, क्योंकि ये गलती जो है, अब मतलब ये मैं अपनी गलतियां बता रहा हूं कि ये मैंने किया था और मुझे ये रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, तो आपके क्रेडिट्स भी बर्बाद जाएंगे और वो क्वालिटी भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज आपको थोड़ी सी अवॉइड करनी है कि जहां पे भी फेस पे ज्यादातर चीजें आ रही हैं वहां पे आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया, आप चाहो तो ये वाली रील आके देख लेना, और इस टाइप की रील्स के लिए आपको नहीं करना है, क्योंकि जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। अगर आपके क्रेडिट्स ऐसे ही बर्बाद हो गए और आपका कंटेंट अच्छा नहीं बना तो कोई फायदा नहीं है। ये जो चीज थी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मेरे
ख्याल से आपको जानना जरूरी था। कंटेंट फाइंड कर लिया और किस टाइप का कंटेंट फाइंड नहीं करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो तीसरी चीज आती है वो आती है कंटेंट को डाउनलोड करना। तो एज अ एग्जाम्पल हम कोई भी एक ले लिया करते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लोर में गए हम, और एज अ एग्जाम्पल हम कोई भी एक रील ले लिया करते हैं, तो इसमें यहाँ पे लोगो है तो मैं इसको नहीं लूंगा, जिसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब लोगो वगैरह भी ना हो, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे लाइक्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, सारी चीजें ठीक है। अब आपको सिंपल सा यहाँ से इस URL को कॉपी कर लेना है और आपको सिंपल सा सर्च करना है इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर, तो स्नैप इंस्टा या फास्ट DL करके ये दो आते हैं, तो आप कोई भी इनमें से ले लेना। तो मैंने ये लिया, सिंपल सा यहाँ पे मैंने URL को पेस्ट किया और मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। इन सभी में एड्स वगैरह बहुत आएंगे, तो ठीक है, तो ये एड आ गया, मैंने इसको क्लोज किया और यहाँ पे डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन आया, मैंने इसको भी क्लोज किया और ये हमारा वीडियो यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 15 सेकंड का वीडियो है, और ज्यादा बड़े भी वीडियो नहीं लेना है, क्योंकि जो क्रेडिट्स हैं वो थोड़े से जो भी आपको मिलते हैं वो आपके कई बार बहुत ज्यादा क्रेडिट्स आपके चले जाएंगे अगर आप ज्यादा बड़ा लोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे 15 सेकंड हमारा डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसी टाइप से जितने भी वीडियो हैं आप चाहो तो एक एक करके और डाउनलोड भी करते जाओ और इन सबको सेव भी करते जाओ। मान लो कि ये जो वीडियो था इसको मैं सेव कर लिया करता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर कभी कभी क्या होता है कि जब आपका कोई वीडियो वायरल हो जाता है, मान लीजिए इसी लड़की का वायरल हुआ था या इसके फेस एक्सप्रेशन अच्छे थे या कुछ भी अच्छा हो सकता है, तो उस टाइम हम इसी के और भी वीडियोस बना सकते हैं। तो आप क्या किया करो, जिसको भी डाउनलोड किया करो आप उसको सेव भी कर लिया करो, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे वीडियो हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे हैं लेकिन अब मुझे वो वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो जो भी मेरी मिस्टेक्स हैं या मिस्टेक्स मैंने की वो भी मैं आपके लिए बताते जा रहा हूं। ठीक है, डाउनलोड हो गया हमारा वीडियो। अब आपको मैं एक लिस्ट दूंगा, ये वैसे एक वेबसाइट है CR.AI, ये मुझे बहुत शानदार लगती है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही होती है कि मैं इसको यूज करूं, क्योंकि इसमें जो क्रेडिट्स हैं वो आप यहां पे देख सकते हैं, 100 क्रेडिट्स आपके लिए मिलते हैं, ये आप यहां पे देख सकते हैं, और इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, एक छोटा सा टास्क आप कर सकते हैं और आपका इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं वॉच वीडियो टू गेट स्टेमिना, तो यहां पे 100 आपके लिए और मिल जाएंगे। इसी टाइप से अगर आप होम पेज पे जाओगे तो तकरीबन 20 आपके लिए और मिल जाएंगे, तो इसमें आपके इजीली आपके 5-10 रील जो है वो इजीली बन जाएगी। और अगर नहीं बन रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको लॉग आउट करो और एक और जीमेल के साथ इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। बाकी इसके अगर प्लान्स भी देखे जाएं, चूंकि मैं अब चाह रहा हूं कि मैं इसके प्लान्स में भी चला जाऊं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बल्क में काम कर रहा हूं, तो यहाँ पे इसके प्लान्स भी इतने चीप है कि अगर आपको लगता है तो आप इसके प्लान्स में चले जाओ, क्योंकि प्लान्स भी रियली बहुत ही कम है। ये आपके लिए ऐसे दिख रहे हैं, आप बाकी इसको INR या USD में करके देखेंगे तो ये और भी ज्यादा दिखाई देगा, अभी पता नहीं कौन सी करेंसी है। तो इसके प्लान वगैरह भी बहुत कम के हैं, तो मैं तो इसको लूंगा, बाकी आपकी इच्छा है कि अगर आप लेना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज एक और ऑप्शन क्या है कि मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, मेरे एक ब्लॉग की आपको डिस्क्रिप्शन के ही अंदर लिंक मिल जाएगी, उसमें क्या रहेगा, जो भी वेबसाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कुछ क्रेडिट्स वगैरह दिया करते हैं उन सभी की लिस्ट में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके एक जगह पे खत्म हो गए तो आप दूसरी साइट चले जाओ, तीसरी साइट चले जाओ और वहां पे आप अपने एक एक वीडियो बना सकते हो। तो सब में ऐसा रहा करता है, पर डे इतने मिलेंगे और आपका जो है मतलब 15-20 रील आप अगर आप चाहते हो कि 15-20, वैसे तो मुझे पता है कि आप 2-4 से ज्यादा बनाने वाले हो नहीं, लेकिन अगर आपको 15-20 भी बनाना है तो आप बड़े इजीली बना सकते हो। और ये जो वेबसाइट है इसमें आप देख सकते हो फेस स्वैप भी है और इमेज स्वैप भी है, तो सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे प्लान्स वगैरह आ जाते हैं, वैसे इन्होंने खुद भी कुछ यहाँ पे देखोगे तो वीडियोस वगैरह दिए हुए हैं, लेकिन मोस्टली ये इंग्लिश वाले वीडियोस हैं, मतलब कहा जाए तो आउट ऑफ इंडिया कंट्रीज के वीडियोस हैं, तो इनमें ना ही जाओ क्योंकि इंडिया में ये कोई नहीं देखने वाला। तो इनमें ना जाके आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो ये दिखाई दे रहा है कस्टम टेम्पलेट, और ये जो चीज है ये आप अनटिक कर देना, शेयर टू कम्युनिटी, इसको अनटिक कर दोगे, ये वैसे टिक रहेगा, इस टाइप से टिक रहेगा, आप अनटिक कर देना। अगर आप अनटिक नहीं करोगे तो जो भी वीडियोस आप डालोगे यहाँ पे वो इसी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक कॉमन वीडियो बन जाएगा और ऐसा हो सकता है कि उसी टाइप के और भी हजारों लोग वीडियो उस पे बनाने शुरू कर दें फेस स्वैप के थ्रू। तो आप ये चीज अनटिक कर देना और आपको वो वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने कस्टम टेम्पलेट पे क्लिक किया और जहां पे भी आपने सेव करके रखा हुआ था, तो जो ये वीडियो अभी मैंने डाउनलोड किया वो वीडियो यहाँ पे ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद अब आपको एक फेस भी ऐड करना है, तो जो भी आपने फेस बनाया हुआ है, अगर आपने बनाया
है तो ठीक है, अगर आपने नहीं बनाया है तो एक मैं आपके लिए वीडियो बता रहा हूँ, वो वीडियो आप देख लेना। वो वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए बनाया था कि आप AI के थ्रू इमेज जनरेट कैसे कर सकते हैं और कंसिस्टेंट करेक्टर कैसे बना सकते हैं, उस पर मैंने ये वाला एक वीडियो बनाया हुआ था। अगर आप जो भी मेरे ये वीडियोज हैं उनको अगर ध्यान से देखेंगे तो यही इमेज मैंने यूज की है, क्योंकि ये मैंने इमेज काफी पहले बनाई थी और ये मुझे इमेज अच्छी खासी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसी इमेज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फ्री में एक अच्छा खासा करेक्टर बना सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आप देख लेना, अगर आपको भी इसी टाइप से एक इमेज चाहिए पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इमेज है ये मैंने इमेज एड कर दी है और जो हमारे वीडियो में इमेज है वो ये है और इसको ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 88 इसमें क्रेडिट्स लग रहे हैं, तो सिंपल से मैंने जनरेट पे क्लिक किया और ये तकरीबन एक आध मिनट का टाइम लेगा, डिपेंड ऑन जितना भी लंबा आपका वीडियो है उसके हिसाब से टाइम लेगा। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा वीडियो बन चुका है और अभी यहाँ पे दिखाई भी देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी शक्ल जो है वो चेंज हो चुकी है और यहाँ पे ऊपर ये जो एक बटन दिखाई दे रहा है, या फिर अगर आप इन तीन डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिखाई देगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी डाउनलोडिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है और जो दो वीडियो यहाँ पे डाउनलोड हुई है मैं दोनों एक साथ आपके लिए प्ले करके दिखा दिया करता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फेस में जो भी आपका फेस रहेगा उसके हिसाब से फेस चेंज हो गया है, पहले कुछ ऐसा फेस था। और ये जो साइट है इसकी एक और शानदार क्वालिटी क्या होती है कि ये HD में भी कन्वर्ट कर देता है। ये जो आपका वीडियो है ये HD क्वालिटी होगी, जबकि ये जो आपने डाउनलोड किया था ये थोड़ी सी लो क्वालिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो मैंने यहाँ पे चला दिए हैं और आपको दोनों वीडियो में अंतर दिखाई दे रहा होगा कि सारी चीजें एकदम क्लियर हो चुकी हैं, सारी चीजें एकदम ठीक हैं। अब इसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं आईज थोड़ी सी अजीब सी दिखाई दे, जैसे कभी कभी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका वीडियो है वो बन चुका है और एकदम शानदार वीडियो बना है, क्योंकि हमारा जो फेस था वो फेस इसी टाइप का था और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा फेस था सेम इसी टाइप से था और इसी टाइप के वीडियोस आपके लिए डालने थे। अब मैंने ये भी आपके लिए बता दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फेस था वो कुल मिला के इसी टाइप का फेस है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपके लिए ये भी बता दिया कि डाउनलोड करके फेस स्वैप कैसे करना है और ये मैंने एक टूल बताया, सभी में इसी टाइप का रहेगा कि आपको एक जो भी आपने अपना करेक्टर बनाया उसकी एक इमेज लगानी है और ट्राई करना कि पूरी इमेज ना लगा के सिर्फ और सिर्फ जो आपका फेस है वो सिर्फ अकेला फेस होना चाहिए, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी बॉडी से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ फेस से मतलब है। तो फेस अकेला हम यहाँ पे लगाएंगे और आपको भी कंफ्यूज नहीं करना है, ये टूल्स है, ये कोई ज्यादा समझदार नहीं होते, इनको जो आपने दिया है वही ये चिपका के दे देंगे। तो फेस अकेला आप लगाओगे तो फेस अकेला आएगा, अगर आप और भी चीजें डाल दोगे फालतू की तो हो सकता है कि कुछ अजीब ही बन के आ जाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस आता है पोस्ट करने का। पोस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है शेड्यूलिंग। एक तो आपने अभी पोस्ट कर दिया, ठीक है, अब आप पूरे दिन एक ही काम तो नहीं करोगे, तो वहां पे आपको क्या करना है कि आपको शेड्यूलिंग का यूज करना है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि जो शेड्यूलिंग है या तो आप कोई एक्सटर्नल टूल यूज करो, जैसे कि सोशल मीडिया शेड्यूलर जो आते हैं, यहाँ पे एक आध लिंक होगी तो मैं दे दूंगा, तो जो सोशल मीडिया शेड्यूलर आते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं, वो कभी कभी पेड भी हो सकते हैं और इंस्टाग्राम में रील वगैरह वो पोस्ट कर रहे हैं, मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक, लेकिन वो चीज आप ट्राई करके देख लेना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप पे काम करना चाहते हैं तो आपको उनको ढूंढना है, अदरवाइज दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप जब अपने मोबाइल पे आते हैं तो मोबाइल पे जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिख दी, सारी चीजें डाल दी, अब यहाँ पे जब आप एडवांस में ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मोर ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे शेड्यूल दिस रील, इसको आप टिक करोगे तो यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, मान लीजिए आज 11 सितंबर है तो 11 सितंबर को ही आपको कितने बजे करना है, तो मान लीजिए आप चाहते हो कि हर 2 घंटे में या 3 घंटे में है, तो वो आपको यहाँ पे शेड्यूल कर देना है और डन कर देना है। जैसे ही आप डन करोगे ऑब्वियसली बात है कि आपकी रील जो है ये पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप फोन में तो ये वाला काम जो है वो अनलिमिटेड कर सकते हैं, आप कितनी भी चाहो रील्स आप पर डे, आप चाहो तो 1 महीने का काम आप 1 दिन में भी करके रख दो। तो इसीलिए ये बोल रहा हूं ताकि आप पूरे दिन एक ही काम में ना भिड़े रहो। तो अगर आप एक साथ सभी को शेड्यूल कर दोगे तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, सिर्फ आपका दिन भर का आधा घंटा या 1 घंटा जाएगा इस पूरे काम में कि आपने एक दिन में तकरीबन 20 रील बनाई
और 20 रील बना के आपने उनको दो दिन के लिए या तीन दिन के लिए आपने शेड्यूल कर दिया, तीन दिन का काम आपने एक से डेढ़ घंटे में खत्म कर दिया। तो ये एक सही प्रोसेस है कि आपको इसी टाइप से फॉलो करना है, बाकी आपकी इच्छा है कि आप उन रील को अपने हिसाब से मैनुअली ऐड करना चाहते हैं। तो ये जो था ये एक लास्ट प्रोसेस था। इसके अलावा मैंने बाकी सारी चीजें आपको इस वीडियो में भी बता दी थी कि आपको कैसे ट्रैफिक लेके आना है, कि आपको जो भी आप रील्स डाल रहे हैं उनको आपको स्टोरी में शेयर करना है और कहां कहां शेयर करना है जिससे आपके अच्छी खासी रीच आए। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो इस अकाउंट में अच्छी खासी रीच आ रही है, फॉलोवर भी बढ़ रहे हैं, और क्या चीजें नहीं करना है फॉलोवर बढ़ाने के लिए, तो वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं, आज का वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के साथ आप काम शुरू करने से पहले इस वीडियो के लिए जरूर देख लेना, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर मैंने ये 37 मिनट का वीडियो बनाया है, यहां पे मैंने बहुत कुछ अपना एक्सपीरियंस बताया है, अपने स्टेट्स बताए हैं, इस वीडियो के लिए जरूर देख लेना। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आप ये मेहनत तो करो लेकिन आपकी बर्बाद हो जाए। तो मैंने अपने हिसाब से इन दो पार्ट्स में सारी चीजें बता दी हैं। अब जो इसका कोर्स आ रहा है उसकी भी कंडीशन थी कि वीडियो अच्छा खासा चल जाएगा, आप लोग लाइक शेयर वगैरह करोगे तो यही कोर्स मैं आपके लिए फ्री में दे दूंगा। तो वो मेरे ख्याल से जब आप ये वाला वीडियो देखोगे तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। मेरे ख्याल से तो मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें बता दी हैं। अब आपका काम है कि आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका तुरंत के तुरंत रिप्लाई करता हूं। और एक और अपडेट आपके लिए देना चाहता हूं कि अगर आप रियली एफिलिएट मार्केटिंग से एक शानदार अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स। इसको जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है उन लोगों ने अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर दी है। सारे प्रूफ्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो ये सारी चीजें आप देख लेना। तो आप चाहो तो इस कोर्स को भी एक बार जरूर चेक कर लेना। साथ ही यहाँ पे एक बंडल पैक बनाया हुआ था कि अगर आप सीपीए मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों सीखना चाहते हैं तो ये एक बंडल पैक बनाया हुआ था जो कि थोड़ा सा अभी इसका प्राइस कम है, ऑब्वियसली बात है कुछ दिन में ही बढ़ जाएगा। तो यहां पे ये जो दो कोर्स हैं सीपीए सीक्रेट्स और एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, इन दोनों को मिला के एक ये सीपीए एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स बनाया गया था कि अगर आप सीपीए मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों सीखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में जा सकते हैं। इसका बेनिफिट सिर्फ एक ही है कि आपको दोनों कोर्सेज का एक्सेस कम प्राइस में मिल जाएगा। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे 2000 दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे एक मैंने एक कूपन दिया है सीपीए 10 करके, आप उसके थ्रू जाएंगे तो थोड़ा सा और प्राइस कम हो जाएगा। तो आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। दोस्तों फ्रेंड फैमिली, जो लोग भी अर्निंग करना चाहते हैं अपने फोन के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो के लिए जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।